नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में रहने वाली एक विधवा महिला ने किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक व उनके पुत्र द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से मुलाकात की और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंची विधवा महिला निर्मला धाभाई ने बताया कि अवानापाल खसरा नंबर 147-3 पर उनकी जमीन है, जिस पर वह पिछले 15 वर्षों से काबिज हैं। बीते दिनों 26 फरवरी को किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक के पुत्र राहुल व मनीष टाक अपनी 5 से 60 लेबर के साथ पहुंचे और जमीन पर हुई तारबंदी को हटाकर खड़ी फसल पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसकी शिकायत उन्होंने किशनगढ़ शहर थाने में दी, लेकिन वहां पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार सुबह जब वे अपने खेत पर गए थे तो लेबर को पक्का निर्माण करने के लिए मना करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि जब उनके पुत्रों ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर पोस्ट की तो उनको हटाने की बात को लेकर विधायक व उनके पुत्र द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई, जिससे परेशान होकर आज पीड़ित महिला अपने पुत्रों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के पास पहुंची और कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। धाभाई वाइफ ऑफ स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह धाभाई की पत्नी, मेरी जमीन अवाना पहाड़ स्थित, मैं 15 सालों से कब्जा मेरी काबिज हूँ। उस पर श्रीमान सुरेश जी टांक के पुत्र राहुल टांक, उनके भाई मनीष जी टांक, अन्य लेबर सहित 40-50 लोगों ने शनिवार को मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उनकी नियति है इसको डिस्प्यूट करके, इनको परेशान करके और ये ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं पुलिस थाना मदनगंज और शहर और SDM ऑफिस के तक घूमती रही, मेरी कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कृपया न्याय दिलाया जाए और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निर्मला दाभाई किशनगढ़। मैं आज SP साहब के, कलेक्टर साहब के पास आई हूँ। मुझे आशा है भाई मुझे न्याय दिलाइए। मिल ली मैंने, बिल्कुल आपका काम होएगा। नहीं नहीं, यहाँ मुझे कोई दबाव नहीं, आपका काम होएगा। यहाँ मुझे थोड़ी आशा उम्मीद जगी है किशनगढ़ से, मुझे किसी भी प्रशासन से, पुलिस से, SDM ऑफिस, किसी से मुझे मदद नहीं मिली। आज मैं यहाँ आई हूँ, मुझे राहत मिली, कलेक्टर साहब से मिली, मैं SP साहब से मिली, मुझे उन्होंने मुझे मेरा आश्वासन दिया है। मैडम जी घबराइए मत, आपकी ज़मीन आपकी रहेगी। हमें धमकी मिलती है और आपको तो ये दबाव में तो फोन किया, मैसेज तो आया। हाँ, मुझे दबाव दिया गया है। वो क्या कहते हैं उसको, बंद कर, दबाव दिया अधिकारियों ने, डिलीट करो, डिलीट करो। हाँ, फेसबुक में बेटे पोस्ट, हाँ फेसबुक पे पोस्ट, हाँ मैं बोल दूँ बेटे ने, बेटा हाँ पोस्ट डाली गई, उस पर दबाव दिया गया, इसको बंद करो, नहीं तो आप इसका अंजाम क्या होगा। मेरा नाम सुरेश टांक है, आप जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो आप लेडीज़ की हिम्मत मत करो इतनी, इसका अंजाम गलत होगा। आपका नाम? शुभ नाम निर्मला दाभाई किशनगढ़।